How to get 1000 subscriber, how to complete 4000 hour watch time, how to get monetized। जब तुम ये सब YouTube पर सर्च करते हो तो आपको सबसे पहले इन क्रिएटर्स की वीडियोस दिखाई देती होंगी। इन चैनल्स की वीडियोस को देखने वाला आपके चैनल का ग्रोथ का तो पता नहीं पर डेड जरूर हो जाएगा। इन क्रिएटर्स को मैं इसलिए भी स्कैमर बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है ये गलत टिप्स एंड ट्रिक्स ऑडियंस को बता रहे हैं। कुछ समय पहले मनोज दे रीनेट के पॉडकास्ट में आए थे और उसने यूट्यूब ग्रोथ को लेकर बात करी थी। इंटरव्यू में मनोज दे ने बताया था कि वीडियो एडिटिंग कॉन्टेंट पर ध्यान देना चाहिए आज के समय में, जो कि काफी हद तक सही कहा था। कंटेंट में काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अभी फिलहाल सबसे बड़ी चीज ध्यान देना चाहिए वो एडिटिंग पे। एडिटिंग पे ही इतना मतलब मस्त बना देता है वीडियो को, देखने में मजा आने लगेगा, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, साउंड इफेक्ट्स हो, फॉन्ट्स हो, टेक्स्ट हो। बट वीडियोस में मनोज दे सब फॉर सब और कमेंट में भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं सिखाते लाइक शेयर सब्सक्राइब की। कुछ ऐसी बातें ये टेक्निकल चैनल्स बताते हैं कि ये लोग स्कैमर की कैटेगरी में ज्यादा आते हैं, ना कि कोई नॉर्मल यूट्यूब टिप्स ट्रिक चैनल के। लाइक फॉरेन यूट्यूब चैनल्स को देखो, वहाँ पर बताएंगे एडिटिंग सुधारो, स्टोरी टेलिंग सुधारो, रिसर्च अच्छी करो, शूट अच्छा करो और क्रिएटिविटी के साथ कुछ बनाओ। ये सब कल्चर इंडिया में है ही नहीं। पर अच्छी बात यह है कि कुछ एल्गोरिथम जैसे चैनल्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। द साइंस बिहाइंड यूट्यूब ग्रोथ एंड एडिटिंग टेक्निक्स, AKS, दूसरा अक्ष वर्मा, दीपक दहिया, ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो इस कैटेगरी में अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ये लोग भी लोगों की मेंटेलिटी समझ चुके हैं। लोग इस वीडियो पे ज्यादा क्लिक करेंगे, हाउ टू गेट 1 लाख सब्सक्राइबर इन 1 मंथ, पर हाउ टू प्रैक्टिकली गेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, द साइंस बिहाइंड यूट्यूब ग्रोथ, यूट्यूब एल्गोरिदम एक्सप्लेन्ड, बेस्ट वे टू एडिट योर थंबनेल, बेस्ट वे टू एडिट योर वीडियोस। इन वीडियोस पर नहीं क्लिक करेंगे बिकॉज इन टाइटल पर वो शॉर्टकट सेंस नहीं कर पा रही ऑडियंस जो हाउ टू गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 1 मंथ पर कर पा रही है। इससे इंस्टेंट CTR हाई होता है और ऑडियंस भी बहुत इंजॉयमेंट के साथ इन वीडियोस को देखती है, जैसे कि इसके बाद वो एल्गोरिथम ही हैक कर लेंगे जिससे उनको पूरा वॉच टाइम मिलता है। और ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब में ग्रोथ के लिए। इनकी देहाती ऑडियंस को भी लगता है कि इन्हें कुछ ऐसी चीजें पता है जिससे इनके व्यूज आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में यूट्यूब पर ग्रोथ करना है तो सबसे पहले स्टार्ट कर दो मेहनत करना और फोकस करो क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने में और पोस्ट करने में। कोई जरूरत नहीं है डेली के फालतू के टिप्स एंड ट्रिक देखने की। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ देखना है तो कुछ अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करो, जैसे कि एल्ग्रो। एल्ग्रो सच बता रहा हूँ, ये बंदा इस लेवल का कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है जिस लेवल का इंडिया में कोई नहीं कर रहा। दिस गाय इज इंडियन पैडी गैलोवे। पैडी गैलोवे इंटरनेशनल क्रिएटर है जो कि वर्ल्ड के टॉप यूट्यूबर्स को टिप्स एंड ट्रिक बताता है, जिसके खुद के 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं है। बेसिकली वो यूट्यूब कंसल्टेंट है और इसी कंसल्टेंसी के वो करोड़ों रुपए कमाता है। और ये कल्चर भी अभी इंडिया में नहीं है। शायद मिलियन वाला सब्सक्राइबर शायद 1 लाख वाले सब्सक्राइबर से बात भी ना करे। और क्रिएटर्स लाइक मनोज दे, इनका तो काम है हर महीने ये बताना कि मैंने यूट्यूब के पैसे से घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, नई बाइक खरीद ली, मैकबुक खरीद लिया, और हर महीने 4 मोटिवेशन वीडियो जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले यूट्यूबर बनने के लिए। लेकिन एक चीज जिसके वजह से मनोज दे इस कैटेगरी में ज्यादा सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ऑफ वो अपनी स्टोरी को बेच पाया, वही रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी, कैसे वो बहुत गरीब था, उसके पास सेटअप नहीं था, उसने यूट्यूब पे मेहनत करी और आज वो यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और उसके आज घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उसके पास, जिस वजह से वो अपना फैंडम बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो पाया। और मनोज दे अपनी ऑडियंस को बार बार यही स्टोरी एज अ मोटिवेशन बेचता है और अब मनोज दे एक आइडियल बंदा बन चुका है देहाती ऑडियंस के लिए, जिनके जैसा वो बनना चाहती है। यूट्यूब कोर्स, आजकल तो हर कोई यूट्यूब कोर्स बेच रहा है। जैसे हर यूट्यूबर का एक ब्लॉग चैनल होना जरूरी है, वैसे ही हर यूट्यूबर का एक कोर्स भी बेचना जरूरी है। सबसे पहले कोई जरूरत नहीं है फालतू क्रिएटर्स का कोर्स खरीदने के, इसमें आपका पैसा ही वेस्ट होने वाला है। वो वैसे ही बातें अपने कोर्स में करेंगे जैसा वो चैनल पे करते हैं। अब मैं कोर्स को पूरी तरीके से बेकार नहीं बता रहा हूं और ना ही मैं गलत बता रहा हूं। आप खरीदो ऐसे इंसान का कोर्स जो प्रीमियम कंटेंट बनाता है, यूट्यूब चैनल पे बनाता है, वो इंसान आपको कोर्स में भी प्रीमियम और क्वालिटी कंटेंट देगा। या फिर आप कोर्स खरीद सकते हो यूडमी और स्किल शेयर से, वो भी काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से आप अच्छा कोर्स खरीद सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट करके बताना अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब आप यहाँ पर वैरायटी ऑफ कंटेंट देखना चाहते हो, वरना मत करना। और ये वीडियो मैंने छोटी रखी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई इनके बारे में बात करने को कुछ था नहीं। और अगला जो वीडियो आने वाला है वो काफ़ी अलग आने वाला है नॉर्मल वीडियोस से। इस चैनल पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो एसेज, एक्सप्लेनर स्टाइल वीडियोस और एनिमेटेड स्टफ फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।